पेश है लंच टाइम बुलेटिन। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, एग्जिट पोल नहीं नतीजे का करे इंतजार। वहीं कांग्रेस ने कहा 11 को चौंकाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूरी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए और माताओं बहनों के लिए, और सबका प्यार और आशीर्वाद मिला है, माई की कृपा है, भारतीय जनता पार्टी जीत। सेना के पूर्व अधिकारी DS हुड्डा का बयान, सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता पर खुशी स्वाभाविक, लेकिन उसका प्रचार अनुचित। ये करना जरूरी था, वी हैड लॉस्ट सो मेनी सोल्जर्स, उरी में इतने हमारे जवान शहीद हुए थे, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को भेजना ज़रूरी था, और वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है कि अगर आप हमारे एरिया में आकर इस तरह की स्ट्राइक्स करेंगे तो हम भी आपके एरिया में आकर उसी तरह की और उससे बेहतर और बड़ी स्ट्राइक्स कर सकते हैं। बुलंदशहर हिंसा पर कार्रवाई, SSP समेत 3 पुलिस अफसरों का तबादला, सीतापुर के SP प्रभाकर चौधरी बने बुलंदशहर के नए SSP। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव, 8वें चरण के लिए मतदान जारी, मैदान में 6304 उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिरी, कम से कम 11 लोगों के मौत की आशंका, घायलों को एयरलिफ्ट के जरिए इलाज के लिए जम्मू लाया गया। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले जगदीश शर्मा के निवास पर छापा, पूछताछ के लिए ले गई ED। शर्मा ने कहा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ षड्यंत्र की कोशिश। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी आज, मेहमानों को रैंप वॉक कराएंगे मनीष मल्होत्रा। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश के मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू। दीपिका बनी एशिया की आकर्षक महिला, प्रियंका दूसरे नंबर पर। UK के न्यूज़पेपर वेस्टर्न वीकली के खास संस्करण ने एशिया की 50 सेक्सिएस्ट वुमेन की लिस्ट में दी प्रियंका और दीपिका को यह जगह। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।